हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बैकग्राउंड से आपको पता चल गया होगा कि अभी हम कहाँ पे हैं। हम अपने पावर सब स्टेशन में हैं अभी ड्यूटी में। तो आज नाइट में भी ड्यूटी है और आज संडे भी है, तो मेरा गार्ड नहीं आएगा, आज अकेले ही रहना पड़ेगा। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित, क्या क्या हमको परेशानी हुई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो हालांकि ज़्यादा परेशानी नहीं हुई थी, एक दो डॉक्यूमेंट्स थे मेरे पास ऐसे जो हमारे पास थे, लेकिन उतना परफेक्ट नहीं थे जितना होना चाहिए था। जैसे आईटीआई का प्रोविजनल सर्टिफिकेट था और वहाँ पे वांटिंग था ओरिजिनल सर्टिफिकेट का, और एक था मेरा ये ओबीसी सर्टिफिकेट, ओबीसी। तो इसके लिए तो कोई उस तरह का प्रावधान नहीं था। हालांकि जिसका रिजल्ट जनरल में हुआ था उसे ओबीसी का कोई प्रावधान नहीं था, उसे ओबीसी नहीं लिया जा रहा था। तो मेरा भी जनरल में हुआ था इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन एक था यहाँ पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट का, जो आईटीआई ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है, तो हम लोग के पास वो नहीं था। हमारे पास प्रोविजनल थी, हालांकि ओरिजिनल कुछ टाइम कॉलेज में नहीं आया था। तो वहाँ पे हम लोग को बोला गया था कि जिसके पास ओरिजिनल नहीं है वो अपने कॉलेज से लिखवा करके लाएंगे, उसको वेरीफाई करवा करके लाएंगे कि अभी कॉलेज में नहीं आया है, कॉलेज में भी अभी नहीं आया है। तो हम लोग को ले गए थे, उस तरह का कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे बोला गया था कि आपका बाद में, मतलब आपको बोला जाएगा कि आप जमा कर दीजिए। तो हमारे साथ जो भी थे उनको, एक दो को बोला गया है ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा करने के लिए, लेकिन हम लोग का अभी कोई उस तरह का नोटिस नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ यह थी कि जैसे मेरा वहाँ पे जो प्रेजेंट, उन लोग जो क्या उसको बोलते हैं, फिंगरप्रिंट जब लिया जाता है एग्ज़ाम में और फ़ोटो, तो वो मेरा मैच नहीं कर रहा था। मतलब फ़ोटो पूरा खाली था, किसी का वहाँ पे नहीं था और फिंगरप्रिंट भी नहीं ले रहा था। तो वहाँ पे हमको प्रॉब्लम हुआ, हमको रोक दिया गया मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लास्ट में हमको बुलाया गया, तो हमको बोला गया कि देखिए से आप जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे मिलिए, वही सोल्यूशन कुछ कर सकते हैं। तो हम क्या किए कि जो भी वहाँ के अधिकारी थे उनसे मिले, उनका प्रॉब्लम बताएं। तो वो बोले कि ठीक है, फिंगरप्रिंट तो मिलना चाहिए ना, फ़ोटो अगर नहीं मिल रहा है आपका तो फिंगरप्रिंट मिलना चाहिए। तो फ़ोटो वहाँ पे किसी का नहीं था, अगर किसी का रहता तो और प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि बोलते कि आपका फ़ोटो नहीं है, किसी और का है। इसका मतलब कि आपके जगह पर कोई और एग्ज़ाम दिया था और आपका फिंगरप्रिंट भी नहीं मिल रहा है। तो हालांकि वहाँ पे कुछ नहीं था, किसी का फ़ोटो नहीं था, तो फोटो वाला तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब रह गया फिंगरप्रिंट, तो फिंगरप्रिंट हमारा मैच नहीं कर रहा था। तो दो तीन बार, तो फर्स्ट बार में ट्राई किया गया था, नहीं किया, मैच नहीं किया। तो कुछ लास्ट में हमको बुलाया गया, लास्ट में फिर बहुत बार ट्राई किया गया, पांचों फिंगर उसमें देखा गया, तो मतलब काफ़ी 5-10 मिनट के बाद मैच कर गया। तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेस हो गया। बात रह गई ज्वाइनिंग की, तो जब ज्वाइनिंग में यहाँ पे 23 जनवरी को हुआ था पटना में ज्वाइनिंग, तो वहाँ पे फिर ज्वाइनिंग में सेम प्रॉब्लम। तो वही जो अधिकारी थे, हालांकि ज्वाइनिंग में जो भी स्टाफ थे वो चेंज हो गए थे, लेकिन अधिकारी जो हम लोग थे वो वही थे, तो उनको पता था, तो इसलिए ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम लोग ज्वाइन कर लिए वहाँ पे। फिर वहाँ से हम लोग को जहाँ भी प्लेस पोस्टिंग जिसका जहाँ जहाँ मिला था वहाँ पे भेज दिया गया। वहाँ पे हम लोग क्या, वहाँ 23 जनवरी को ज्वाइन किए पटना में। उसके बाद करीब 5 या 7 फरवरी को हम लोग अपने अपने प्लेस पे ज्वाइन किए। तो यहाँ पे भी मतलब किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ ज्वाइन करने में। लेकिन एक और बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया 2 महीने बाद, जब हम लोग का फर्स्ट सैलरी मिलने लगा। तो जब मार्च में, जनवरी में ज्वाइन किए, लास्ट मार्च में हम लोग का फर्स्ट सैलरी आया था, तो उस टाइम भी वेरिफिकेशन होता है अपने अपने डिवीज़न में।
उस टाइम भी वेरिफिकेशन होता है, और उस टाइम भी हमको प्रॉब्लम वही हुआ, सेम प्रॉब्लम जो वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हुआ था। तो वहाँ पे भी मतलब लास्ट में हमको रोक दिया गया, फिर लास्ट में वहाँ पे हुआ, बहुत बार फिंगर मिलाने पर मैच किया और फिर सक्सेस हो गया। तो हालांकि ज़्यादा इसमें कोई उस तरह की परेशानी नहीं है, आपको कभी भी जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाइएगा तो मतलब अगर आप सही हैं तो आपको कभी भी बाहर नहीं किया जाएगा, चाहे आपके पास डॉक्यूमेंट्स रहे या नहीं रहे। जैसे बहुत से लोग ऐसे थे जो जिनके पास OBC भी नहीं थी या जिनका नाम गलती था डॉक्यूमेंट्स में, जैसे मैट्रिक के मार्कशीट में बहुत के नाम गलती थे, या बहुत से ऐसे थे जिनका मतलब सर्टिफिकेट उसको जाली कहा जाए या ऑथराइज किसी NCVT से कोई भी संस्था से ऑथराइज नहीं था, तो उन लोग को बाहर कर दिया जा रहा था। जैसे SCVT NCVT दो तरह के उसमें थे, तो जिनका भी SCVT था, जो बिहार गवर्नमेंट बिहार की SCVT है, उनका कुछ भी मतलब चेक नहीं किया जा रहा था, डॉक्यूमेंट्स को अच्छा से चेक नहीं किया, खाली है SCVT है बस, हमारे पास भी SCVT थी तो हमारा भी डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं किया गया था, केवल SCVT है तो ठीक है। और जिनका NCVT था उनको टाइम लग रहा था, उन लोग क्या किए थे कि एक मशीन रखे थे, उसमें जैसे OMR चेक होता उसी तरह का कोई मशीन था, उसमें जो सर्टिफिकेट था NCVT का उसमें डाला जा रहा था, और अगर वो जाली था तो उसमें पता चल जा रहा था कि ये जाली सर्टिफिकेट है, तो उस तरह के लोगों को बाहर कर दिया जा रहा था। ज़्यादा नहीं थे, एक दो ही लोग थे मेरे मतलब मेरे ग्रुप में। और इसके बाद तो और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और OBC भी अगर आपके पास नहीं है तो भी आपको टाइम दिया जाएगा कि OBC आप जमाएं, एक कोई इशू नहीं था कि इसी डेट तक आपको लगेगी, हाँ OBC रहना चाहिए केवल, और किसी तरह का प्रॉब्लम इसमें नहीं हुआ। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ चाहे आधार कार्ड या आपको मार्कशीट मैट्रिक के मार्कशीट में भी अगर कोई किसी तरह का नाम स्पेलिंग में गलती है तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा, आपको बहुत टाइम दिया जाएगा। जैसे आप अब्सेंट भी हो गए, मान के चलिए आप ज्वाइनिंग के टाइम आपको कहीं और जाना हो, चाहे कोई बहुत बड़ा काम हो या किसी तरह की कोई परेशानी हो, कोई एक पेपर हो आपका, तो आपको बहुत टाइम दिया जाएगा। उस टाइम शायद जनवरी 2019 में ALP की पेपर थी, ALP और टेक्नीशियन की, तो बहुत से लोग मतलब टेक्नीशियन ALP के को छोड़ दिए थे और ज्वाइन कर लिए थे। हालांकि कोई भी यही करेगा ज्वाइन ही करेगा, पहले किसी को पता नहीं था तो ज्वाइन कर लिया। जो लोग ज्वाइन नहीं किए थे उनको फिर बुलाया गया, दोबारा बुलाया गया, और जो दोबारा नहीं उनको एक बार और मौका दिया गया। मतलब कहने का मतलब है कि किसी भी वैकेंसी में ऐसा नहीं होता है, केवल इसमें ऐसा था कि आपको 3-4 बार मौका दिया जा रहा था और आपको बाहर नहीं किया जा रहा था। किसी भी डॉक्यूमेंट्स अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है फिर भी आपको बाहर नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग तक का सफ़र था। हाँ, इसके बाद जब हम लोग यहाँ ज्वाइन कर लिए तो इसके बाद मैं मतलब क्या बोले, हम लोग पूरा नहीं, हम मतलब ट्रेनिंग करने के दौरान, मतलब 10 दिन ट्रेनिंग करके जब हम लोग जहाँ भी हम लोग का मिला था एरिया वहाँ पे आए, तो उसके बाद हम मतलब ये जॉब छोड़ने वाले थे, पूरा समझिए कि छोड़ ही दिए थे। तो क्यों छोड़ने वाले थे ये आपको अगला वीडियो में बताएंगे, और कैसे मेरा जॉब बच गया ये भी अगला वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।